बिजली चुराना बंद क्यों कर दिया? फंटोश नगर में बिजली हो तब तो चुराएंगे ना बॉस। पर फंटोश नगर में एक चाचा है जिसके अंदर फंटोश नगर की सारी इलेक्ट्रिसिटी कैद है। तो फिर उस चाचा को यहाँ उठा लाओ, मेरी फैक्ट्री का काम नहीं रुकना चाहिए। इसको भी लेके चलो। तो तुम ही हो वो चाचा जिसके अंदर पूरे फंटोश नगर की बिजली कैद है। इतनी बिजली का क्या करोगे चाचा? थोड़ी हमें भी दे दो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस मेरी मशीन पर अपना हाथ रख दो, मेरी मशीन चल पड़ेगी और मेरा काम हो जाएगा। अच्छा तो तुम ही हो फंटोश नगर के बिजली चोर? मैं ऐसा गलत काम हरगिज नहीं करूँगा। नहीं करोगे तो मेरे आदमी तुम्हें और तुम्हारे भतीजे को इस भट्टी में डाल देंगे। चाचू जैसे वो बोल रहे हैं वैसे ही करो। बहुत अच्छे। जब तक मैं वापस आऊँ करंट ऑन रहना चाहिए। क्या हुआ, मशीन रुक क्यों गई? वो क्या है ना, चाचू को हर कुछ घंटों में पानी से अपनी बैटरी रिचार्ज करनी पड़ती है। अरे क्या अंकल, आपको इन्हें मारना नहीं चाहिए था। तूने मुझे मारा, तेरी इतनी हिम्मत। एक तो मैंने तेरी जान बचाई, उस पर तू मुझे ही डांट रहा है। अरे अंकल मारना मत, मारना मत। अरे इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। का बिल्कुल उल्टा करेगा, यानी इस ब्रिज को तोड़ देगा। ओ चाचे यो के कर रहा है? ओ ब्रिज जोड़ने को कहा था, तोड़ने को नहीं। ओ भतीजे रोक इसे। ये क्या हो रहा है? ये रोबोट सिंह तो मेरे से गलत काम करवा रहा है। ओए भतीजे मेरी मदद कर। ओ भतीजे कुछ कर जल्दी, ट्रेन आने वाली है। मैंने इसे ब्रिज जोड़ने को कहा तो ये तोड़ रहा है, यानी ये तो उल्टा कमांड ले रहा है। आइडिया, रोबोट सिंह इस ब्रिज को अपने हाथों से तोड़ दो। ओ यो तो क्या बोल रहा है भतीजे? भतीजे तन्ने ट्रेन को पटरी से उतरने से बचा लिया। ये भतीजा तो जरूरत से कुछ ज्यादा ही होशियार निकला। अब मुझे ही कुछ करना होगा। खोजी अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? रोबोट सिंह भतीजे का पीछा मत करो, उसे मत मारो। और रोबोट तो उल्टा कमांड लेगा, यानी भतीजे का पीछा करो और उसे मारो। यो खोजी रोबोट सिंह से गलत काम क्यों करवा रहा है? क्या हो रहा है भतीजे? भतीजे मैं तुझे मारना नहीं चाहता, पर ये रोबोट सिंह मेरे कंट्रोल से बाहर है। अरे ए, चाचा को रोको। मैंने चाचा को अनलॉक करने का कोड बना लिया है, जल्दी से वो रिमोट दे दो। आप यहाँ है तो रिमोट कौन लेकर भागा? ओह
ओ, वो मेरा जुड़वा भाई मनमोह जी है, हमेशा कुछ ना कुछ गलत काम करने में लगा रहता है। मुझे किसी भी तरह इस मनमोह जी से ये रिमोट छीनना ही पड़ेगा। मनमोह जी अंकल, आज मैं समझ गया कि आप खोजी अंकल से भी बड़े साइंटिस्ट हो और आप कुछ भी कर सकते हो। तो भतीजे, तूने मुझे पहचान ही लिया। आखिर तू समझदार निकला जो मेरी अकलमंदी और मेरी ताकत को पहचान पाया। मैं तो कहता हूँ कि मनमोह जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही बोला। मनमोह जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे भतीजे, ये तू क्या कर रहा है? खोजी अंकल, अब देखना, रोबोट सिंह इसका उल्टा कमांड लेगा, यानी हिचका हिचका हिचका। जुगावर जब से आया है सिर्फ छक्के ही मारे जा रहा है, वो भी इतनी आसानी से। कुछ तो गड़बड़ है। तो ये बात है, ये एक मेटल बैट है, तो मेटल बैट के लिए लाते हैं एक मैग्नेट बॉल। पहली बार किसी बैट्समैन ने अपने आप को कर दिया बोल्ड। अब भतीजे की टीम की बैटिंग देखने अपने सांसों को कर लो होल्ड। ओ भतीजे, ओ चक दे फटे, बल्ले बल्ले बल्ले। अरे अरे, जल्दी गेट खोलो वरना मेरा कैच मिस हो जाएगा। ओए भतीजे, कहीं जोगावर बॉल लाने के बहाने भाग तो नहीं गया? फिकर नॉट बंदूकनी जी, मैंने पहले से ही सारा बंदोबस्त कर रखा है। क्राइम का पावर, क्राइम मास्टर जोगावर आ गया जेल से बाहर। हिट किया। ये जोगावर वापस क्यों आया? चाचा के शॉट से बॉल बहुत दूर चली गई, इसलिए बॉल लाने में थोड़ी देरी हो गई। उनका काम उनको करने दो। खोजी अंकल का स्पेशल ग्लू इन्हें ज्यादा उछल कूद नहीं करने देगा। डंका, भागो, चल ढोल के। अच्छे, दे दे, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे। तुम एक रुपया दोगे वो 10 लाख देगा। यही वक्त मिला था भिखारी बनने के लिए। मैं देता हूँ 1 रुपया। अब क्या करें? ओए बहादुर, चल खोजी के पास। लेकिन भतीजे, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें बंट की जरूरत पड़ी? खोजी अंकल, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बताता हूँ, किसी को अपनी ताकत पे घमंड हुआ है, बस उसे अपनी जगह दिखानी है। लेकिन रोबोट की क्या जरूरत? खोजी अंकल, इंसान हिप्नोटाइज होते हैं, मशीन नहीं। बस एक बात और, बंटी को आप चाचू बना दीजिए। नो प्रॉब्लम भतीजे, अभी हो जाएगा। अब ये हो गया बिल्कुल बलवान। लेकिन भतीजे, इसे क्या करना है और क्या बोलना है ये तुम्हें बताना। ओए जादूगर गंगा, अब होगा दंगा और तुम्हें पड़ेगा महंगा। ओए जादूगर गंगा, अब होगा दंगा और तुम्हें पड़ेगा महंगा। अरे भाई साहब, ये तो कमाल का भी धमाल से है। हाँ हाँ, ओके
ओए चल भतीजे, पता चल गया है कि ये गंगा आखिर कहाँ छुपा बैठा है। चलो। आओ आओ मेरे प्यारे गुलाम, आओ। तुमने तो कमाल कर दिया, पूरे शहर में गंगा को पॉपुलर कर दिया। ओए जी, जादूगर गंगा है चंगा, उससे ना लेना पंगा। शाबाश मेरे प्यारे गुलाम, अब हम लोगों को और भी तकलीफ देंगे। बोलो कैसे? जो लोगों को तकलीफ देने की सोचता है, भतीजा उसे रोकता है। देखो ऐसे। गंगा अब होगा दंगा और पड़ेगा तुझे महंगा। अरे इसे क्या हो गया? कुछ गड़बड़ हो रही है। फिर से हिप्नोटाइज करने के लिए पहले के हिप्नोटिज्म का असर बिल्कुल निकालना होगा। रे भतीजे, यो के कर रहा है? बंदूकनी जी, अब जादूगर बंटी को चाचू समझ के हिप्नोटाइज का असर खत्म कर रहा है, ताकि उन्हें दोबारा ठीक से हिप्नोटाइज कर सके। रे भतीजे, लेकिन इससे हमारे असली चाचा के सर से इस जादूगर का भूत कैसे उतरेगा? बंदूकनी जी, अब जादूगर हिप्नोटाइज उतारने के लिए जो भी करेगा वो मैं बंटी के अंदर रिकॉर्ड करूँगा और वही सब चाचू के सामने दोहराऊंगा। क्यों, आई समझ में? रे वाह भतीजे, तेरा दिमाग तो 100 घोड़ों से भी तेज भागे से। अबरा का डाबरा, गिली गिली छू, अब निकल जाए इस गोले के कब्जे से बाहर तू। बंदूकनी जी, अब हो गया रिकॉर्डिंग का कमाल, अब देखो असली धमाल। अब करूंगा तुझे ठीक से हिप्नोटाइज। अबरा का डाबरा, गिली गिली छू। ओए जादूगर गंगा है चंगा, उससे ना लेना पंगा।